घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? सभी दुश्मन हुए एक, कैसे कर पाएगा पुष्पा सामना? क्या शिवली की होगी मौत? शिखावत से कैसे बचाएगा अपने माल को? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे पुष्पा पर जॉली रेड्डी और मंगला श्रीनू के लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा की दोस्त बिरजू राणा ने उसे आकर बचा लिया। जहां एक तरफ पुष्पा पर हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ शिखावत ने पुष्पा की गैर मौजूदगी में उसके ठिकाने पर रेड करवा दिया और पुष्पा का सारा माल जब्त कर लिया। पुष्पा को जब ये बात पता चलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एक तरफ शिवली की जान खतरे में तो एक तरफ सभी डीलर्स का माल जब्त है। पुष्पा सीधा मिनिस्टर के पास जाता है और इसे सारी बात बताता है। मिनिस्टर अपने पावर का यूज़ करके शिखावत से पुष्पा का माल छुड़ा लेता है। मिनिस्टर शिखावत का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करवा देता है। शिखावत जाते जाते पुष्पा को धमकी देकर जाता है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ूंगा। पुष्पा वहाँ से चला जाता है क्योंकि पुष्पा को शिवली को भी तो छुड़ाना है, जॉली रेड्डी को भी ढूंढना था। बिरजू राणा पुष्पा के साथ जाता है और पूरे गांव में जॉली रेड्डी को ढूंढता है, लेकिन वो और उसके साथियों ने पहले ही गांव छोड़ दिया था। पुष्पा और बिरजू दोनों उन्हें ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें घर दिखता है जहां कोई नहीं रहता था। वो वहां छुप कर जाते हैं तो वहां उन्हें जॉली रेड्डी, मंगला श्रीनू और पुष्पा का भाई उन्हें दिखता है जो बैठे होते हैं। शिवली को साइड में बांध कर छोड़ा होता है। अंदर जाते हुए पुष्पा और बिरजू दोनों गोलियां चलाते अंदर जाते हैं और श्रीनू को घायल कर देते हैं। दूसरी तरफ से भी जॉली रेड्डी उस पर गोलियां चलाने लगता है। पुष्पा का भाई पीछे से जाकर शिवली पर गोली तान देता है। पुष्पा उसे शिवली को छोड़ने की धमकी देता है लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। पुष्पा जैसे ही अपने भाई की तरफ आगे बढ़ता है तभी उसका भाई शिवली पर गोली चला देता है। शिवली घायल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। अगले ही पल पुष्पा अपने भाई पर गोली चला देता है। शिवली को पुष्पा गोद में लेकर उठाने की कोशिश करता है। शिवली पुष्पा को कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पाती और मर जाती है। पुष्पा गुस्से में उठता है और सब पर गोली चलाने लगता है। जॉली रेड्डी को भी मार देता है। जब सबको पुष्पा मार देता है तब रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने दोस्त बिरजू राणा से बोलता है कि स्मगलिंग ने मुझसे सब छीन लिया, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे दोस्त, सब। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे अब ये स्मगलिंग नहीं करनी। सभी माल सभी डीलर्स को वापस कर दो, मैं ये गाँव छोड़ कर और सब कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। और पुष्पा कहीं दूर चला जाता है। अब आपको क्या लगता है, इसके बाद की कहानी कंटिन्यू होगी या नहीं? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें।